गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज स्टार्ट करने वाले हम एक नया चैप्टर। कल आपने वीडियो देखी होगी, आपने बहुत प्यार दिया, मैं आभारी हूँ उसका। आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात ये भी है, अगर आप थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हो लॉकडाउन की वजह से भी पेपर नहीं होंगे, तो ये आपका मतलब गलतफहमी मान सकते हो आप। पेपर सारे होंगे, जितने भी हैं सारे होंगे, लेकिन टाइम लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। और ये आपके लिए अच्छी बात भी है, 2 अगर 3 महीने लगते हैं तो अगर आपको आज कुछ नहीं आता, पेपर हो जाए तो क्या कर लोगे? अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखना भी, आज अगर पेपर कल हो जाए तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जुटे हुए हैं, जो रेगुलर हैं वो तैयारी कर रहे हैं और आप आराम से बैठे हैं लॉकडाउन में, मतलब गेम खेल रहे होंगे, टिकटॉक देख रहे होंगे और कुछ यूट्यूब का सहारा लेके अपना टाइम पास कर रहे होंगे। टाइम पास नहीं करना है हमें, इस टाइम को वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करने की सोचो। क्योंकि पेपर अगर पोस्टपोन हो जाता है तो हम पढ़ना छोड़ देते हैं क्या? हम टारगेट बना के चलते हैं कि मेरे को 2018 का SSC देना है, 2019 का देना है, 2020 का देना है, तो वो एक साल पहले ही अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अभी मैं एक साल बाद मेरा पेपर होगा और मैं आज से तैयारी करना शुरू कर देता हूँ, तो आपके पास 2-3 महीने बचे हैं, तो आप बेसिक से बेसिक चीज़ें करो। पोस्टपोन पेपर हो जाता है तब भी हम तैयारी करते हैं, क्योंकि तैयारी नौकरी वही लगता है जो रेगुलरिटी रखता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होता है, हो सकता है कहीं डीमोटिवेट करने वाली बात हो सकती है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने भी तैयारी की है, मैंने भी पहले तैयारी करके मैं भी किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब लगाऊँ मुझे पता है। तो आपको भी उसी तरीके से पढ़ना होगा जिस तरीके से, क्योंकि हम बता सकते हैं जिस लाइन पर हम चले थे उसी लाइन पर लेके जाएंगे, तो गवर्नमेंट जॉब लगना आसान हो जाता है, लेकिन रेगुलरिटी रखनी ज़रूरी होती है। तो टाइम पास ना करें, पढ़ना शुरू करें और कंसेप्ट से पढ़ना शुरू करें, और 2-3 महीने इसके अंदर आप रट्टा ना लगाएं, ठीक है ना। आप उन चीज़ों को सीखें, ठीक है ना। रीड करने से कुछ नहीं होता, लर्न करें यानी सीखना होता है, ठीक है। और मैं आपको जो भी करवाऊंगा बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बेसिक से बेसिक। हर जो बोर्ड पे शब्द लिखा होगा, एक भी वर्ड मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, गेन होगा, तब जाके हमें गवर्नमेंट जॉब की आशंका होगी। पेपर में कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना आपका पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलते हैं अपना एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। सहयोग बनाए रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए, ठीक है। आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है स्केल्टन सिस्टम, ठीक है। स्केल्टन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंकाल तंत्र में हम किसके बारे में पढ़े हैं? मुख्य रूप से हम बोन और कोर्टिलेज के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बोन और कोर्टिलेज यानी अस्थि व उपास्थि के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपास्थि के बारे में बहुत कम पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। 2-3 मिनट का काम होता है इसका, हो जाएगा। लेकिन पढ़ने किसके बारे में? हम पूरा का पूरा चैप्टर, मोस्ट ऑफ जितना भी होगा 80-90% आप कह सकते हो किस पे रहेगा? अस्थि पे रहेगा। बनी कैसे हड्डियाँ, कौन सी बड़ी छोटी कितने पाई जाती है हमारे शरीर में, कौन सी कहाँ पाई जाती है, से चेहरे में कितनी पाई जाती है, आपकी खोपड़ी में कितनी पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पसलियाँ, रिब्स कितनी होती है, इन चीज़ों के बारे में हमें जानना है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। और सबसे आसान चैप्टर भी है, ठीक है ना। एक छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना होता है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और लेकिन रटना बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी आसान तरीके से याद हो जाएंगे। ये मेरी जिम्मेवारी, ठीक है ना। आप देखते जाइए, याद करना आपका काम नहीं है, याद करवाना, क्योंकि मैं उसे टीचर मानता हूँ जो क्या कर दे, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना दे, पढ़ाना और पढ़ना दोनों टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक क्या करता है, कनेक्ट, आप कह सकते हो कनेक्शन बनाता है, ठीक है। तो पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाने का मतलब ये होता है वो टीचर टीचर होता है जो उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बना दे। इंटरेस्ट बन गया तो हम वो चीज़ आसानी से कर सकते हैं, कोई भी हो, ठीक है ना। पहला लेक्चर था, कुछ आप सोच सकते हो भी टाइम ख़राब भी हुआ होगा, लेकिन टाइम ख़राब नहीं हुआ, ये चीज़ें आप सीख लो तो अच्छा रहेगा। आप इंटरेस्ट बनेगा इस चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बनेगा, अच्छे से कवर कर जाओगे, ठीक है ना। तो हमें बोन और कोर्टिलेज के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है।
ठीक है। यानी ये क्या है, स्केल्टन सिस्टम एक फ्रेमवर्क है, यानी आप कह सकते हो एक ये क्या है, ढांचा है जो किससे मिलकर बना होता है, अस्थि और उपास्थि, जो हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर का प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा करता है, शरीर की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, या प्रोटेक्ट टू इंटरनल ऑर्गन यानी आंतरिक अंगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैसे हमारे हृदय हो गया, किडनी हो गई, यानी हार्ट हो गया, किडनी हो गई, उसके बाद सारे जितने भी अंग हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे ब्रेन हो गया, सारी चीज़ें जितनी भी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन है, अंग है, उनकी क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करता है। कुछ चीज़ें मैं लिखूँगा, कुछ बोलने और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है ना, बोर्ड पर लिखा होगा उससे ज़्यादा बोलने पर यानी सुनने पर ध्यान दें, सुनोगे तो आराम से, ठीक है ना, समझदार हुआ। हमारे शरीर को क्या देता है, ये शेप देता है, यानी आप कह सकते हो ये हमारे शरीर को आकार देने का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे शरीर को लोकोमोशन देने का भी काम करता है, यानी गतिशील बनाता है, ये हमारे शरीर को गतिशील बनाने का काम करता है, ठीक है। हम चल फिर सकते हैं, किसके कारण चल सकते हैं, हड्डियों के कारण, ठीक है ना। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं हमारे शरीर के द्वारा, जो भी क्रियाएं करते हैं ना, जैसे मैंने अपनी मुंडी हिलाई, ठीक है ना, मैंने हाथ हिलाए, ठीक है, मैं उंगलियां हिला रहा हूँ, तो वो किसके कारण संभव हो पाता है, किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, तो हमारा आंसर क्या रहता है, स्केल्टन सिस्टम के कारण होता है, ठीक है ना। और ये कुछ और भी काम करता है, जैसे ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है ना, बता दूंगा आगे जाके इसको कवर करेंगे, यानी रक्त का निर्माण करने का भी काम करता है। रक्त का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, हमारे शरीर के स्केल्टन सिस्टम, यानी स्केल्टन सिस्टम में किसके द्वारा होता है, स्केल्टन सिस्टम यानी बोन, बोन के अंदर किसमें होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, ठीक। तो ये चीज़ें नॉर्मल सी है जिसके बारे में जानना ज़रूरी था, क्योंकि बेसिक हमें पता होना चाहिए, कोई चीज़ का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, ठीक है ना, क्वेश्चन बनेंगे वो मैं अपने आप बताता जाऊँगा, लेकिन जानना ज़रूरी है। कंकाल तंत्र जो होता है उसके अंदर कौन से ऊतक पाए जाते हैं, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है कंकाल तंत्र के अंदर कौन से ऊतक पाए जाते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है ना, कौन से ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक भी में अंदर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा संयोजी ऊतक का भाग होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी विशेष संयोजी ऊतक, और विशेष संयोजी ऊतक के अंदर कौन सा ऊतक है, स्केल्टल टिश्यू यानी कंकाल ऊतक, ठीक है। यानी क्वेश्चन यहां से बनना, कंकाल ऊतक किसका भाग है, तो आप कह सकते हो विशेष संयोजी ऊतक के भाग है, संयोजी ऊतक सीधा भी क्वेश्चन यहां से बनता है, कंकाल ऊतक किस ऊतक के एक प्रकार है, तो आपका आंसर रहता है संयोजी ऊतक। फिर क्वेश्चन बनता है कंकाल तंत्र किससे बना होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 20 से 30 बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र किससे बना होता है, तो हमारा आंसर क्या रहता है, संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऊतक के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि पहला लेक्चर है इसके बारे में, मैंने बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया, सेल नहीं पढ़े हमने, टिश्यू नहीं पढ़े, तो थोड़ा सा यहाँ से सीख लेते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और एलिमेंट यानी तत्व है, थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो चीज़ बताऊंगा ना यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और मज़ा भी आएगा। तत्व वो किससे बने होते हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, और वो तत्व आगे जाके कोई ना कोई, जैसे हम कह सकते हैं मिनरल कहलाते हैं, यानी खनिज लवण कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे हमने कुछ कहा होगा मिनरल कह सकते हो, ठीक है, यह मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, वो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, सभी नहीं कहलाते लेकिन कुछ, यानी पोषक तत्व उनसे मिलकर बना होता है। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे कौन से, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है ना, फैट हो गया, उनसे मिलकर बना होता है सेल, यानी कहीं ना कहीं हर
ऑर्गेनिज्म कहाँ से बना होता है, कोई ना कोई तत्व से मिलकर बना होता है। जितनी भी चीज़ें पाई जाती है इस ब्रह्मांड के अंदर, जितने भी आज तक पता लगाई है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई क्या होगा, तत्व होगा, एलिमेंट होगा। उसके बाद सेल जो होता है यानी कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यानी कोशिकाओं का समूह कहलाता है टिश्यू, उत्तक कहलाता है, ठीक है। उत्तक से मिलकर बना होता है मसल्स यानी पेशियां, और पेशियां मिलकर किसी न किसी क्या करती है, अंग का निर्माण करती है, किसी न किसी किसका निर्माण करती है, अंग ऑर्गन का निर्माण करती है। और जब ये अंग मिलते हैं तो ये ना ग्रुप हो जाता है अंगों का, जो किसी न किसी विशेष कार्य के लिए एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना, यानी अंग तंत्र। और उस अंग तंत्र से मिलकर सभी अंग तंत्र जब इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। समझ लेना, यहाँ से बहुत काम आएगा, हर चैप्टर में काम आएगा, बेसिक है, यानी जीव, ठीक है। यानी आप कह सकते हो अगर जीव होता है, आपने पढ़ा होगा सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोला जाता है, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है, कोशिका, ठीक है ना। कोई भी जीव ना, वो कोई किसी न किसी एलिमेंट से बना होगा, जीव हो चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, ठीक है ना, वो किसी न किसी किससे बना होगा, एलिमेंट से। जैसे प्रोटीन से बनी होती है कोशिका, आपने सुना होगा प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, और न्यूट्रिएंट भी बहुत होते हैं इसके अंदर, या आप कह सकते हो कोई एलिमेंट होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कुछ ना कुछ मिलता है उससे मिलकर एक क्या होता है, कंपोज होता है सेल, और सेल से क्या बनते हैं, फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से पेशियाँ, पेशियों से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से यानी एक बॉडी यानी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, जैसे मेरा हो गया, आपका हो गया, तो वो किससे बना है, अंग तंत्र से बना। एक अंग तंत्र का उसमें से एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, वो क्या है, स्केल्टन सिस्टम, यानी उसके अंदर अंग क्या है, तो अंग क्या है, बोन और कॉर्टिलेज, ठीक है। इसके अंदर सेल क्या है, टिश्यू क्या है, तो इससे पीछे जाके देखो तो टिश्यू कौन से, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना, और कनेक्टिव टिश्यू जो इसके अंदर है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल कौन से हैं, ये पढ़ने वाले, ठीक है ना, यानी उस सेल से टिश्यू बने, और टिश्यू से क्या बने, फिर आगे एक अंग बना यानी बोन बनी, कार्टिलेज बनी, और कार्टिलेज और बोन से मिलकर क्या बना, एक स्केल्टन सिस्टम बना, और स्केल्टन सिस्टम और बहुत से तंत्र जैसे कंकाल तंत्र हो गया हमारा, पाचन तंत्र हो गया हमारा, उत्सर्जन तंत्र हो गया हमारा, इन तंत्रों से मिलकर हम एक कंपोज, ठीक है ना। तो हमारी फॉर्मेशन किस प्रकार से हुई है, ये चीज़ हमें जानने को मिली, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और कैसे बनेंगे ये आगे लास्ट में देखें। तो ये बात तो हुई, तो यहाँ से ये समझाने के लिए मुझे, क्योंकि शुरू शुरू में दो चार लेक्चर हैं उनके अंदर बेसिक चीज़ें समझाने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है ना, पेशेंस आपका होगा, मेहनत हमारी होगी, ठीक है ना, एक एक चीज़ सिखा के जाएंगे आपको। तो उत्तक के बारे में पता चला, कौन सा उत्तक पाया जाता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। उसके बाद जो स्केल्टन सिस्टम होता है उसको हमने कितने दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में, यानी जो बाहर पाया जाता है शरीर से, जो शरीर से बाहर पाया जाता है उसे एक्जो स्केल्टन सिस्टम कहा जाता है, यानी बाह्य कंकाल तंत्र, सभी जीवों में नहीं पाया जाता, ठीक है, सभी जीवों में क्या नहीं पाया जाता, एंडो स्केल्टन सिस्टम, ठीक है। लाइटिंग वगैरह की थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि घर पे स्टूडियो सेट किया है, सेट करने का मतलब है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है। इसे बोलते हैं बाह्य कंकाल तंत्र, धीरे धीरे सुधार लेंगे सारा कुछ, बाह्य कंकाल तंत्र, और इसे बोलेंगे हम अंतः कंकाल तंत्र, यानी अंतः का मतलब क्या है, यहाँ पे आंतरिक, ठीक है। जो शरीर से बाहर पाया जाता है उसे बाह्य कंकाल तंत्र, और जो क्या पाया जाता है अंदर पाया जाता है उसे अंतः कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अगर यह क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, दोनों का निर्माण कहाँ से होता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, कहाँ से होती है, तो मेसोडर्म, जर्म लेयर होती है, उससे होता है। यानी जर्म लेयर कितनी होती है, तो तीन प्रकार की होती है, मैं बता देता हूँ यहाँ से। एक तो होती है
एक्टोडर्म, दूसरी होती है मिजोडर्म, तीसरी होती है एंडोडर्म। और ये एम्ब्रियो के अंदर जिन्हें क्या बोला जाता है, सबसे पहले एम्ब्रियो के अंदर कुछ एम्ब्रियो बनने के बाद तीन अंगों के निर्माण से पहले कोई भी ऑर्गन जो होता है उसको फॉर्म होने से पहले क्या कहेंगे, तीन लेयर बनती है जिन्हें हम जर्म लेयर कहते हैं, और वो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तीनों के इंग्लिश के ही नाम है और इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्टोडर्म जो होता है बाह्य लेयर होती है यानी आउटर लेयर, ये क्या होती है मिडल लेयर होती है, और ये क्या होती है इनर लेयर होती है। ठीक है, यानी आंतरिक परत, और ये कौन सी होती है बीच की परत होती है, और ये क्या होती है बाह्य परत होती है। मेजोडर्म से ही बनता है हमारा कंकाल तंत्र, यानी जो ब्लड होते हैं वो भी किससे, ब्लड सेल होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, मेजोडर्म से बने होते हैं। एक्टोडर्म से हमारी स्किन वगैरह, ठीक है, एंडोडर्म से क्या बनता है जैसे गर्भाशय वगैरह। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिस दिन हम क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कंकाल तंत्र का निर्माण किससे हुआ, मेजोडर्म। यहाँ पे पूछ ले बनता कंकाल का मेजोडर्म, बाह्य कंकाल का मेजोडर्म से हुआ। ठीक है ना, उसके बाद बाह्य कंकाल में हम क्या क्या लेते हैं, बाह्य कंकाल जो होता है वो शरीर से बाहर पाया जाता है, नेल हो गए, उसके बाद आपकी स्किन हो गई, उसके बाद आपका हेयर हो गए, उसके बाद आपके खुर हो गए, उसके आपके तो पुर नहीं है जानवरों के होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हॉर्न यानी सींग हो गए, उसके बाद आपके फिदर बर्ड जो होते हैं पंख यानी नाखून। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा ये बताता हूँ मैं, 7-8 क्वेश्चन यहाँ से अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, बाल जिन्हें सीखना ज़रूरी है, खुर जानते होंगे खुर के बारे में, सींग जानते होंगे आप, पंख जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो है ना इसे डेड स्केल्टन भी कहते हैं, डेड स्केल्टन का मतलब मृत कंकाल तंत्र भी, यानी मृत कंकाल तंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन सभी के अंदर एक क्या है कॉमन है, वो क्या है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं मृत सेल पाए जाते हैं, मृत कोशिका पाई जाती है, डेड सेल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है, आपसे पूछा जाता है नाखून के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है स्किन के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, बाल के अंदर, खुर के अंदर, सींग के अंदर और पंख के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो वो मृत कोशिकाएं पाई जाती है, कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखो कितने हो गए, 3 और 3 छः के छः अलग अलग से पूछे गए क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के उठा के देखना, नाखून में कौन सी कोशिका होती है, इनमें से कौन से में मृत कोशिका पाई जाती है। ठीक है, 3 ऑप्शन और मिलेंगे, इनमें से एक मिल जाएगा, तो मृत कोशिका कहाँ पाई जाती है, इनके अंदर। उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है केरोटीन, इनमें कौन सा, सभी के अंदर केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना, आपसे पूछेगा बाल में, त्वचा में, नाखून में, खुर में, सींग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना, तो प्रोटीन का नाम क्या है, केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना, डेड सेल यानी मृत कोशिका जहाँ पाई जाती है उसको काटने वगैरह से यानी उसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होती, तो आप बाल काटते हो आपको दर्द नहीं होता, नाखून काटते हो आपको दर्द नहीं होता, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, क्योंकि वो क्या है मृत। ठीक है, आप भैंस के खुर वगैरह, सींग वगैरह काटते हो जो आगे का भाग होता है, तो वहाँ पे दर्द नहीं होता, तो यही कारण है, इसके कारण क्या है दर्द न होने का, इसके अंदर क्या है मृत कोशिका। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन यहाँ से पूछा जाए। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे, ये किसका भाग है, यानी बाह्य कंकाल तंत्र का भाग है, तो आपका आंसर रहेगा इनमें से कौन सा बाह्य कंकाल तंत्र का भाग है, इनमें से कौन सा अंतः कंकाल तंत्र का भाग है, नहीं है, तो क्वेश्चन बनते हैं रिवर्सल टाइप भी। अंतः कंकाल तंत्र किससे बना होता है, तो ये बना होता है आपका बोन प्लस कोटिलेज। ठीक है, यानी अस्थि और उपास्थि से मिलकर। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं, सारी की सारी हड्डियाँ, ठीक है, और सारे के सारे कोटिलेज आते हैं। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं वो सारी की सारी हम किस में काउंट करेंगे, अंतः कंकाल तंत्र में, और जितने भी कोटिलेज हैं वो किस में काउंट होंगे, अंतः कंकाल तंत्र में। तो दोनों चीज़ याद रखनी है,
ठीक है, निर्माण किससे हुआ, मिजोरम से, ठीक है। धीरे धीरे इतने क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको होगी बहुत ज़्यादा होगी, तो पढ़ना जारी रखें बस। और डीमोटिवेट ना हो, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा सीरियस सा है, ज़्यादा मजाक मजूक आती नहीं मेरे को, क्योंकि हर आदमी में अलग अलग टैलेंट होता है, मेरे अंदर वो कम है, ठीक है। तो कंकाल तंत्र, अब देखो हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा कोर्टिलेज के बारे में बता देता हूँ, उपास्थि क्या है, यानी उपास्थि क्या है, तो हमारे शरीर के जैसे सो टिश्यू है, ठीक है, यानी मुलायम ऊतक है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हो लास्ट पॉइंट जो होता है, लास्ट पॉइंट ऑफ बोन, यानी हड्डियों के सिरों पे पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, जैसे आपके नोज के अंदर, आप यहाँ पे लगा के देखो, स्पंजी टाइप सा, ठीक है ना, यानी मुलायम सा जो होगा वो क्या है, नोज हो गया। उसके बाद आपका पिन्ना जो होता है, पिन्ना यानी कान, कान का बाह्य भाग को बोलते हैं, जो बाहर दिखाई देता है, यानी इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं है, ये क्या है, कोटिलेज से बना हुआ। उसके बाद आपके देखा होगा, जैसे आपने डिस्क सुनी होगी, सबने सुनी होगी, ठीक है, इनवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं वैसे तो इसको, ये किसके अंदर पाई जाती है, वर्टिब्री, जो वर्टिब्री होती है ना आपकी, केसु, रुकी बोलते हैं हिंदी में, केसु रुकी के बीच के अंदर आपने देखा होगा, जिसे आप डिस्क बोलते हो, वो क्या है, कोर्टिलेज है, वो क्या है, कोर्टिलेज, यानी उसके बीच में। उसके बाद जहाँ पे भी मोस्ट ऑफ जॉइंट होता है, हड्डियों के बीच जॉइंट होता है, तो जॉइंट जो होता है ना, जैसे ये भी कोई हड्डियों का जॉइंट है, मान लो मैं मान लेता हूँ इससे, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगी, वो क्या है, कोर्टिलेज, ठीक है ना, इसको स्पंजी बनाने के लिए, ताकि इनके अंदर क्या ना हो, फ्रिक्शन वगैरह ना हो, ठीक है। तो जॉइंट, और इनका मेजर फंक्शन ही क्या है, यहाँ से आता है, तो ये हड्डियों को क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है, ये बोन जो होते हैं उसको दूसरी बोन से क्या करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, इनका काम ही है ये, ठीक है। और हमारे शरीर को क्या बनाती है, हमारे शरीर को गतिशील बनाती है, मोबिलिटी प्रदान करती है, गतिशीलता प्रदान करती है, ये याद रखना है हमें, ठीक है, गतिशीलता प्रदान करती है, क्योंकि इसके वजह से, जैसे आपने देखा भी हड्डियाँ तो क्या है, हार्डनेस टिश्यू है, यानी वो रिजिड होते हैं, यानी वो कठोर होते हैं, जैसे आपने छलांग लगाते हड्डी को क्या होना चाहिए, क्रैक होना चाहिए, लेकिन क्रैक नहीं होती, क्योंकि अब सब जो हम कहते हैं सोकर का काम करती है, मान लो कोर्टिलेज जो सोकर का काम करती है, एक स्पंज की तरह मान लो आप, स्पंज से थोड़ा सा क्या कह सकते हो आप, कठोर होता है वैसे, लेकिन मान सकते हो आप, तो ऐसे हमने जैसे छलांग लगाई तो वो क्या होगा, एक सोकर की तरह काम करेगा, ठीक है ना, जो जरक होगा उसको क्या करेगा, अब सब करने के काम करेगा, यानी अवशोषित करने का काम करेगा, और हड्डियों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ने देगा, तो हड्डियों की मेंटेनेंस बनाए रखने में क्या है, कोर्टिलेज सहायक होते हैं। कोर्टिलेज का एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, कोंड्रोसाइट, ठीक है ना, कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या रहता है, कोंड्रोसाइट, ठीक है, कौन सी कोशिका पाई जाती है, कोंड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है, और इस कोशिका के नाम पे ही लिखा क्या जाता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोंड्रोलॉजी। कोंड्रोलॉजी क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्टडी ऑफ या स्टडी अबाउट कोर्टिलेज, उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिंदी में लिखा मिलेगा कोंड्रोलॉजी, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप लिख लो, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है,
कोलेजन प्रोटीन दोनों के अंदर ही पाया जाता है, हड्डियों के अंदर भी और कोर्टिलेज के अंदर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कोलेजन का एक पार्ट तो हम कह सकते हैं, कौन सा है दूसरा, इसके अंदर इलास्टिन, इलास्टिक नहीं, इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, टाइप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। तो इलास्टिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, कोर्टिलेज में। कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, कोर्टिलेज में। कोलेजन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। जो किसका निर्माण करता है, ठीक है, जो किसका निर्माण करता है, तो कोलेजन प्रोटीन वहाँ पाया जाता है जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, यानी संयोजी ऊतक का निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो कौन से प्रोटीन की होती है, कोलेजन प्रोटीन की होती है। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है, तो याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो ये कोर्टिलेज के बारे में था, कोर्टिलेज को अगर कोलेजन प्रोटीन, यानी जो कोलेजन प्रोटीन की अमाउंट है, यानी इसकी जो पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन ज़्यादा है किसमें कम है, उसके आधार पर तीन भागों में भी बांटा जा सकता है इसको। एक होता है हाइलाइन कोर्टिलेज, लिख लेना काम आएगा, उसके बाद हिंदी में और इंग्लिश में दोनों का नाम है। एक होता है फाइब्रस कोर्टिलेज और एक होता है इलास्टिक कोर्टिलेज। कहाँ पाए जाते हैं ये हमें याद करना नहीं होता, ठीक है ना। तो कोर्टिलेज तीन प्रकार के, तीन पार्ट है इनके, किसके आधार पे, तो बेसिस ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ठीक है ना। कोलेजन प्रोटीन कितना पाया जाता है उसके आधार पर कोर्टिलेज को क्या बांटा जा सकता है, तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो ये छोटा सा कोर्टिलेज है जिसके बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, कोंड्रोसाइट। इसके अंदर कौन सा, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कोंड्रोलॉजी। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। यानी हमारे नाक पर जो कान का बाह्य भाग है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने स्पेशल लिख दिया भी, कान का बाह्य भाग जो पिन्ना होता है वो किससे बना होता है, अस्थि या उपास्थि, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कोर्टिलेज से बना होता है। इसके अंदर फिर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कोर्टिलेज किससे बने होते हैं, तो इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम फास्फेट ज़्यादा किस में होता है, हड्डियों में होता है, लेकिन इसके अंदर पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो इंपॉर्टेंट ये था, कैल्शियम कार्बोनेट, कोलेजन प्रोटीन, कोंड्रोसाइट और कोंड्रोलॉजी, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। यानी डिस्क जो होती है वो क्या होती है, तो वो अस्थि नहीं होती, डिस्क जो होती है हमारे वर्टिब्रे की वो क्या होती है, आपने सुना होगा भी डिस्क स्लिप हो गई, रीजनरेट हो गई, ऐसा सुना होगा भी डिस्क हिल गई, ऐसा सुना होगा आपने। तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच के अंदर जो होता है सोकर का काम करती है ना, वो क्या है, डिस्क बोलते हैं, इन वर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है, सो ये काम करती है। तो ये चीज़ हमें याद करनी है, ठीक है। उसके बाद अब शुरू होता है हमारा बहुत कुछ वाला, ठीक है ना, जिसका नाम है बोन, ठीक। बोन क्या है, ये लिख लो आप, हेडिंग डाल लो बोन, इसे आप अस्थि भी बोलते हो और हड्डी भी बोलते हो। बोन जो है वो क्या है, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है, ठीक है ना। किससे बनी होती है, तो सबसे मजबूत जो होता है यानी कठोर ऊतक से बनी होती है, ठीक है ना। आप कह सकते हो ये कौन सा ऑर्गन है, तो रिजिड ऑर्गन है ये, एक कठोर अंग हमारे शरीर का, ठीक है ना। बोन जो होती है इनके अंदर कौन सी कोशिका की बात पहले बता देता हूँ। बोन जो है वो 50% तो क्या है, सॉलिड है, यानी हमारी कठोर होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हड्डियों का कितना भाग कठोर होता है, हड्डियों का कितना भाग तरल होता है,
ठीक है, तो 50% कठोर होता है और 50% तरल भाग होता है, ठीक है। यानी उसके बाद अड़ियों के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, ठीक है, तो वो कौन सी कोशिका है, ऑस्टियोसाइट। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट कोशिका पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। ऑस्टियोसाइट कोशिका, हड्डियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, हड्डियाँ किस कोशिका से मिलकर बनी होती है, हड्डियाँ तो आपका आंसर क्या रहेगा, हड्डियाँ किस से मिलकर बनी होती है, तो हड्डियाँ बनी होती है ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं से, ठीक है। ऑस्टियोसाइट कोशिका के अंदर फिर आगे दो कोशिका और होती है, एक का नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट और एक का नाम होता है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ये भी याद कर लेना, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, ये क्या कह सकते हो आप, सिंथेसिस ऑफ बोन, ठीक है, ये हड्डियों का निर्माण करने में सहायक है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन रहता है ये क्या करती है, ठीक है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन टिश्यू, ठीक है, यानी हड्डी जो उत्तक होते हैं उनका पुनः अवशोषण करती है, ठीक है। तो पहला हड्डियों का भाग कितना है, कठोर 50%, कितना तरल है 50%, इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका किसकी है, ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका किसकी है, यानी ऑस्टियो शब्द ही किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखना इसका मतलब ही क्या होता है, बोन होता है, हड्डी होता है, ठीक है। तो जहां पर यह शब्द मिलेगा आपको, जहां पर यह शब्द मिले, ठीक है, जहां पर यह शब्द मिले वो किससे रिलेटेड होगा, तो आप याद रखना है हमें, वो किससे रिलेटेड होगा, वो हड्डियों से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन और बन जाते हैं, ऑस्टियोलॉजी और ऑस्टियोलॉजिस्ट याद करना सीख लो, रट्टे मारना छोड़ दो, ठीक है। अब एक ऑस्टियो नाम से आपको कितने क्वेश्चन याद हो गए, देखो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आप कहोगे जी स्टडी ऑफ बोन, ठीक है, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। ऑस्टियोलॉजिस्ट क्या है, ये स्पेशलिस्ट ऑफ बोन होता है, यानी इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों के रोगों के बारे में भी अध्ययन, स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से बनी हुई है, इसकी एनाटॉमी क्या है, क्या क्या काम करती है, ये तो सब के बारे में किसके अध्ययन किया, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और जो ऑस्टियोलॉजिस्ट क्या है, जो अध्ययन करता है, जो स्पेशलिस्ट है या विशेषज्ञ है, बहुत कुछ जो हड्डियों के बारे में जानता है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट क्या चीज़ें हैं, ठीक है, हड्डियों का निर्माण करेगी ये, मतलब जब ब्रेक डाउन हो जाती है हमारी हड्डियाँ, तो उसके अंदर से जो टिश्यू टूट के निकलेंगे तो उसको वापस पुनः अवशोषित करने का जो काम करेंगे ना, वो कौन से सेल करेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट। उसके बाद इस शब्द से भी याद रख सकते हो आप, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो क्या कौन सा पाया जाता है, कोलेजन। लेकिन कोलेजन ऑप्शन में नहीं मिलता, तब हमें क्या है, ओसिन, क्योंकि ये टाइप है किसकी, कोलेजन प्रोटीन की। तो ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर किस में काम आता है, हड्डियों में, ठीक है ना। यानी ओसिन प्रोटीन उसके साथ कैल्शियम और फास्फोरस मैग्नीशियम मिलके क्या करते हैं, हड्डियों का निर्माण करते हैं। यानी ऑस्टियोब्लास्ट सेल के साथ क्या मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, फास्फेट मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, ठीक है, और साथ में क्या मिल जाता है, ओसिन प्रोटीन।
ये सब मिलके क्या करेंगे, हड्डी का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है ओसिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, सेल कौन सा है, उसके बाद ऑस्टियोलॉजी क्या है, ऑस्टियोलॉजिस्ट क्या है, उसके बाद इसका कितना भाग कठोर है, कितना भाग तरल है। ठीक है, ये ज़्यादातर याद करो तो ठीक है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इतना डीप चला जाता है। उसके बाद हड्डियों के अंदर मैंने कहा था कितना ओसिन, ओसिन जो प्रोटीन होता है, ओसिन के साथ कुछ और प्रोटीन, ज़्यादातर कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन ही होता है। ये कितना परसेंट है, 38% है प्लस। उसके बाद मिनरल यानी खनिज लवण जो है वो कितना परसेंट है। आपको कहो हड्डियों का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, और कितना प्रतिशत खनिज लवण है, 38% क्या है प्रोटीन है, और कितना बच गया, 62% क्या है खनिज लवण। और खनिज लवण में सबसे ज़्यादा क्या है, कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ठीक है, हड्डियों के अंदर यानी आपसे पूछा जाता है कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो हड्डियों में और उसके बाद दांतों में। शरीर का 99% भाग निम्न में से किस में पाया जाता है, तो हड्डियों और दांतों में। हमारे शरीर के अंदर अगर 1 ग्राम भी, ठीक है ना, इतना डीप नहीं जाऊँगा मैं कितने ग्राम होता है, अगर मान लो 100 ग्राम कैल्शियम है, तो उसमें से 99 ग्राम कैल्शियम कहाँ मिलेगा, हड्डियों में और दांतों में मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है हमें, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है ना, हड्डियाँ किससे बनी होती है थोड़ी देर बाद बता दूंगा, यानी प्रोटीन कितना है 38 और खनिज लवण कितने हैं 62% है। अगर आपसे पूछे इनमें से भी सॉलिड कितना है, तो 50% है, लिक्विड कितना है। ये हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हो तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, बहुत कुछ पढ़ना है हमें। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजिस्ट क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है। ठीक है, ओसिन प्रोटीन क्या है, तो हड्डियाँ किससे बनी होती है, तो मैंने बताया होगा अभी, ओसिन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, कौन सा प्रोटीन है, ओसिन प्रोटीन होता है, ओस्टियो साइट सेल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम भी होता है। ठीक है, यानी आप सीधा बोल देते हो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है हड्डियाँ, किससे बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से। दांत भी हमारे किससे बने होते हैं, फास्फोरस, यानी कैल्शियम और फास्फोरस मिलके दोनों क्या बनाते हैं, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, Ca3PO4O2। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियाँ किससे बनी होती है, तो सीधा आंसर हमारा एक शब्द में और न लगा के दिया जाए, तो कैल्शियम फॉस्फेट से, अगर हड्डियों का कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, कौन से दो तत्व पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और मैंने फिर बता देता हूँ 99% कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो किस किस में पाया जाता है शरीर का, टीथ और बोन में, यानी बोन, हड्डियाँ और, ठीक है, दांतों में पाया जाता है। किसका, शरीर का, यानी हमारी पूरी जो वॉल बॉडी है हमारी उसका। ठीक है, उसके बाद हड्डियाँ करती क्या हैं, कितनी होती हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या करती है, फिर सारी चीज़ें वही है, ये हमें क्या देती है, शेप देती है, ये हमारा प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा करती है, हमें अंगों को सुरक्षा देती है, ये हमारे शरीर को क्या करती है, लोक को मोट बनाती है यानी गतिशील बनाती है, फिर ये हमारे शरीर का क्या करती है, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन करती है, रक्त का निर्माण करती है। ठीक है, उससे पहले मैं एक हड्डी बना देता हूँ, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे मैंने बनाया
कुत्ते की हड्डी बना देते हैं, आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। एक गलत बन गई यार, क्या है, काफी दिन हो गए ना। आर्ट भी खराब हो गई, ये आपकी हड्डी हो गई, मान लो देखी होगी कहीं ना कहीं। तो हड्डी जो होती है ना, ऊपर का भाग होता है, इसे बोलते हैं पेरियोस्टेम, ठीक। उसके बाद इसके अंदर का जो भाग है, जिस प्रकार यहाँ पे पोर मिलेंगे आपको, छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे, इस प्रकार से मैं बना देता हूँ रेड रेड। ठीक है, यहाँ भी मिलेंगे इस प्रकार से। थोड़ी गर्मी है, पसीना आया हुआ है आपकी मेहनत के लिए, आवाज़ वगैरह आती है यहाँ से, ठीक है। मार्कर, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, पेरिस्टेम, इसे बोलेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से कुछ सीखने को मिलने वाला है हमें। उसके बाद जो भाग होगा इस प्रकार से, ठीक है, मार्कर दूसरे कलर का नहीं है तो बना देता हूँ। इसके अंदर की एक लेयर होती है, फिर अंदर जाके उसका नाम होता है एंडोस्टेम। एंडोस्टेम, ठीक है, यानी हड्डियों के अंदर कितनी लेयर पाए जाते हैं, तीन पाए जाते हैं। कितनी परत पाए जाती है, तो तीन पाए जाते हैं। तीन परत के अंदर पेरिस्टेम, यानी आपको पूछा जाता है आउटर लेयर, सबसे बाह्य परत कौन सी है, ठीक है, बीच की कौन सी है और इनर लेयर कौन सी है, तब आपका आंसर क्या रहता है, यानी आंतरिक परत कौन सी है, एंडोस्टेम है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक टिश्यू पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं टिश्यू, ठीक है। मैं रेडी कर रहा हूँ, लेकिन रंग इनका जो कलर होता है वो रेड नहीं होता। स्पेशल टिश्यू होते हैं जिनका नाम होता है बोन मेरो, ठीक है। और ये जो है वो कौन से हैं, ये लो बोन मेरो। एक एक चीज के बारे में समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। पिल्ली अस्थि मज्जा, ठीक है, क्या है पिल्ले अस्थि मज्जा। तो ये जो हड्डी है ना मैट्रिक्स, इसके अंदर छोटे छोटे हमें मिलेंगे, जो रेड रेड का मैंने इसलिए बनाया, तो यहाँ पे क्या होता है, रेड बोन मेरो होता है, ठीक है, यानी लाल अस्थि मज्जा होता है। ठीक है, यानी हड्डियों की जो बाह्य लेयर परत होती है उसे क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पेरिस्टेम कहा जाता है। मैट्रिक्स क्या है, तो ये एक स्पंजी, मतलब कठोर, सबसे जो कठोर भाग है हड्डी का वो कौन सा होता है, वो होता है मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स जो होता है हड्डियों में, सबसे ज़्यादा मिनरल जो होते हैं वो खनिज लवण कहाँ पर मिलते हैं, खनिज लवण जो खनिज लवण कैल्शियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम, ये कहाँ मिलते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, मैट्रिक्स के अंदर। पेरिस्टेम क्या होती है, ये थोड़ी सी स्पंजी टाइप की होती है, यानी ये थोड़ी सी क्या होती है, मुलायम होती है, ऐसे कह लो, मुलायम टाइप की होती है, मतलब थोड़ी सी सुकर की तरह काम करती है, ताकि हड्डियों का क्या ना हो, हड्डियों पर ज़्यादा कोई बाहरी जो झटके वगैरह होते हैं, जरक वगैरह, उनका क्या ना हो, नुकसान ना, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी सी। सबसे ये कठोर भाग होता है जिसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम भरा होता है, और इसके अंदर का भाग जो होता है वो क्या होता है, रेड बोन मेरो होता है, ठीक है ना, क्या होता है, रेड बोन मेरो, यहाँ पे
अस्थि मज्जा पाई जाती है। लाल रंग का कोई भी हड्डी देख लेना आप, ठीक है, उसके बीच में खोखला सा भाग होता है, खोखला तो नहीं कहेंगे, खोखले के अंदर कुछ ना कुछ भरा होता है, उसका नाम क्या रख दिया जाता है, पीली अस्थि मज्जा, ठीक है ना। तो पीली अस्थि मज्जा किसका भाग है, तो हड्डियों का भाग है, जो हड्डियाँ बड़ी होती है ना, ठीक है ना, जो हड्डियाँ बड़ी होती हैं उनके अंदर, सभी छोटी हड्डियों के अंदर बोन मैरो नहीं पाया जाता, लेकिन बड़ी हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। और बोन मैरो करता क्या है, तो बोन मैरो हमने यहाँ पे लिख लेना है, बोन मैरो कितने होते हैं, तो हमने कहा बोन का मतलब हड्डी, मैरो का मतलब मज्जा, ठीक है। बोन मैरो दो टाइप के हुए, रेड बोन मैरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रेड बोन मैरो, ठीक है, और दूसरा कौन सा बोन मैरो हुआ, येलो बोन मैरो, पीले अस्थि मज्जा, ठीक है ना। अब बताया मैंने, ये रेड बोन मैरो हो गया और ये क्या हो गया, पीले अस्थि मज्जा हो गया। रेड बोन मैरो का काम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी रक्त कोशिका होती है उनका निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल यानी रक्त कोशिका का निर्माण करना होता है, यानी चाहे वो WBC हो, वाइट ब्लड कॉर्पुलेसिस भी बोलते हैं, सेल बोल दो आप, RBC हो, और चाहे क्या हो, प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स, RBC, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं जो होती है वो किससे बनती है, तो वो तीनों के तीनों कहाँ से बनेगी, रेड बोन मैरो से बनेगी। येलो बोन मैरो का काम ब्लड सेल बनाना नहीं है, ये ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं करता, न इनका कोई निर्माण करता, इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है, यानी ये भंडार करने का काम करता है, ठीक है। और इस येलो बोन मैरो के अंदर एक क्वेश्चन आता है, कौन से सेल पाए जाते हैं, एडिप्टोसाइट, ठीक है ना, ये सेल पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये भंडार किसका करता है, ये सेल जो होते हैं वो किसका भंडार करते हैं, तो ये सेल स्पेशलाइज होते हैं फैट के लिए, ठीक है ना, ये वसा का भंडारण करते हैं, और वसा का सबसे ज़्यादा भंडारण करते हैं, और इसका रंग भी क्या होता है, पीला पीला होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पीली अस्थि मज्जा है। फैट के साथ साथ ये प्रोटीन का भी क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, उसके साथ कुछ मिनरल जीव होते हैं, खनिज लवण जो होते हैं उनका भंडारण भी करने का काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फैट, हड्डियों में फैट कहाँ पाई जाती है, तो हड्डियों में फैट कहाँ पाई जाती है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, येलो बोन मैरो में पाई जाती है। हड्डियों के अंदर, हड्डियों के किस भाग में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना, किस, एक एडल्ट के अंदर, ठीक है, बाकी ब्लड के अंदर पढ़ लेंगे, कुछ और जगह भी होता है इसका निर्माण, तो आपका आंसर क्या रहेगा, लाल अस्थि मज्जा, चाहे वो कोई सा भी हो, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद बाह्य भाग क्या कहलाता है, तो आपका आंसर क्या रहता है, पेरियोस्टेम। मैट्रिक्स, सबसे कठोर भाग हड्डी का कौन सा है, ठीक है ना, हड्डी का सबसे कठोरतम भाग होता है मैट्रिक्स, यानी हड्डी के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल, जो खनिज लवण होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। सबसे अंदर की जो परत है वो क्या कहलाती है, तो आपका आंसर रहेगा, ठीक है, इंडोस्टेम, ठीक है। उसके बाद येलो बोन मैरो का काम क्या है, भंडारण करना। रेड बोन मैरो का काम क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्या करना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। येलो बोन मैरो भी आपने कहीं भी पढ़ लिया होगा, नेट वगैरह सर्च कर, तो येलो बोन मैरो के द्वारा भी रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, नहीं, येलो बोन मैरो के अंदर इतनी मतलब एफिशिएंसी होती है, या उसके अंदर एक शक्ति होती है, मान लो जब भी कोई इमरजेंसी हो गई, जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई भी टूट फूट हो गई, तो हमारे खून बह गया, तो उस समय हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा रक्त कोशिकाओं का बनाने की जरूरत होती है, तो उस समय क्या होता है, कुछ येलो बोन मैरो का भाग कन्वर्ट यानी बदल जाता है रेड बोन मैरो में, तो सेल का निर्माण जो होगा वो किसके द्वारा ही होगा, रेड बोन मैरो के अंदर ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी हड्डियाँ, मैंने कहा था ब्लड फॉर्मेशन का काम करती है, तो किस प्रकार करती है, कैसे करती है, ये हमने पढ़ा भी, रेड बोन मैरो करती है, ये किसका भाग है, हड्डियों का ही भाग है, ये आपकी एक हड्डी है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जो बने थे मैंने बता दिए, ठीक है, थोड़ा सा आप थोड़ा रिवाइज कर लेना इस बात को। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है,
इनका बेसिक चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा अड़ियों के निर्माण को क्या कहते हैं, ठीक है, तो वही शब्द काम आएगा आपको, ऑस्टियोजिनेसिस। ये शब्द जिनेसिस जहाँ भी लगा उसका मतलब क्या होता है, कोई ना कोई फॉर्मेशन हो रही है या तो सिंथेसिस हो रही है, यानी क्या ना कोई निर्माण हो रहा है, ठीक है। और निर्माण ये शब्द मैंने पहले बताया था किसके लिए, हड्डियों का, ठीक है ना, यानी हड्डियों का निर्माण क्या कहलाता है, हड्डियों ए प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन या हड्डियों के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोजेनेसिस, ठीक है ना। तो याद रखना है। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है, ठीक है, तो अब आते हैं, भूलना नहीं है, ठीक है ना, एक एक हड्डी, ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा, बस इतने में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप अपना सुझाव जरूर दें, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना सुझाव जरूर दें भी क्या करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए या पढ़ाने का तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर इस प्रकार से, क्योंकि ऑनलाइन कैमरे के सामने मानना मूलधन 100 रुपये, या आप मानते हो एक्स मैथ में हमने मान रखा है ये कैमरा, यानी जो सूट हो रहा है वो क्या है, मानना स्टूडेंट है, ठीक है। तो मानने में और फ़र्क होता है थोड़ा सा, भी आपको कह दे सब्जी किसी और की, मानना मटर पनीर, तो स्वाद तो नहीं आएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर बोन जो होती है वो कितनी होती है, 206। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक वयस्क मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या रहता है, 206। लेकिन यहाँ पे जस्ट बोर्न बेबी, नवजात शिशु, नवजात शिशु के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर रहेगा 300 हड्डियाँ पाई जाती है। जो हड्डियाँ 300 है, लेकिन बाद में कितनी हो जाती है, 206। क्यों हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कुछ हड्डियाँ जो हमारी होती है, वो मैं बताऊंगा आगे चल के कौन कौन सी हड्डियाँ कहाँ पे जुड़ जाती है, जुड़कर मतलब 5-5 हड्डियाँ या 4-4 हड्डियाँ, तो वो क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, कुछ फ्यूज हो जाती है, तो वो कैसे बन जाती है, तो वो जुड़कर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कुछ फ्यूज भी हो जाती है, यानी नष्ट भी हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है, हमारे इस समय आते आते हमारे 5 से 6 वर्ष की उम्र तक हमारी हड्डियाँ कितनी हो जाती है, 206, और इसके बाद 206 ही रहती है, ठीक है। नवजात शिशु के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, 300, ठीक है। उसके बाद 206 हड्डियों को हम अलग अलग भागों में बांटेंगे, भी 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पे होती है, बस इतना ही करेंगे, इसको बांटने के बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कितनी है, 206, ठीक है। और कौन सा हमारा कंकाल तंत्र था, इंडो स्केल्टन सिस्टम था, अंत कंकाल तंत्र था। अंत कंकाल तंत्र को भी आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केल्टन सिस्टम, और उसके बाद अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केल्टन सिस्टम, ठीक है, यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। यानी 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर की, वो कुछ अक्षीय कंकाल तंत्र में होगी, कुछ उपांगीय कंकाल तंत्र में होगी, ठीक है ना। अक्षीय से हमें याद करना है, अक्षीय, अक्षीय 80 है, कितनी अक्षीय, 80 है, कितनी है, 80, ठीक है ना, इतना थोड़ा सा याद कर, बाकी कितनी रह गई आप बता दो, 126 हड्डी, यानी उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डियाँ पाई जाती है और अक्षीय में 80 हड्डियाँ पाई जाती है। जो हमारा ये मान लो आप, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे, ये जो है हमारा क्या है, एक्सिस है, ठीक है, यानी बीच का हिस्सा है, इससे जितनी भी जुड़ी हुई हड्डियाँ हैं तो बीच में आती, ठीक है, वो हड्डियाँ किस में आती है, हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र में,
किस में आती है? ये हिस्सा और मेरे रीढ़ की हड्डी, यानी हाथ और पैर को छोड़ के ठीक है, ये वाले हिस्से को और पैर को छोड़ के ये वाला हिस्सा किस में आएगा? अक्षीय कंकाल तंत्र, यानी आपकी खोपड़ी, आपकी पसलियाँ जो आएगी वो किस में आएगी? रीढ़ की हड्डी, वो ठीक है। और इससे फिर ये जुड़ा होता है, आगे ये जुड़े होते हैं, ये क्या होता है आपका? अपेंडिकुलर कंकाल। थोड़ा समझ लिया, आगे चित्र बनाएंगे, कल पढ़ेंगे तो इसके बारे में, ठीक है। तो यानी ये क्या आपकी खोपड़ी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपकी पसलियां हैं, ठीक है, समझ लो इस बात को, ठीक है। ये आपकी क्या है, रीढ़ की हड्डी है, ये हड्डियां किस में आएगी? तो आपका आंसर क्या रहेगा? अक्षीय कंकाल तंत्र में, यानी स्कल, खोपड़ी की हड्डियां, ठीक है। उसके बाद रिब्स, उसके बाद आपका चेस्ट बोन, और इसके बाद आपका रहता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सब बताऊंगा किसमें कितनी आती है, स्कल में कितनी है, खोपड़ी में 29 के इस प्रकार से है। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, खोपड़ी, ठीक है, पसलियाँ, ठीक है, चेस्ट बोन यानी ब्रेस्ट बोन भी बोल देते हैं इसको, छाती की हड्डी, ठीक है, और केसुरु की दंड बोल देते, या आप बोल देते हो इसको रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और इसमें क्या आता है, तो इसमें आपके आते हैं लिंब और ग्रिडल्स, यानी, और इसमें क्या आएंगे, ग्रिडल्स यानी मैकलाइन, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, मैकलाएँ क्या होती है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। अच्छी बात यही रहेगी, इसमें कितनी हड्डी है, 29 है, इसमें कितनी है, 24 है, इसमें कितनी है, थोड़ा सा याद कर लेना। चेस्ट बोन क्या है, एक है, और इसमें कितनी है, 26 है, यानी 30 और एक, 29 एक, 30 30 और 50 80 हो गई हमारी। एक एक याद करवा के जाऊंगा, एक एक याद करवा के जाऊंगा, कैसे है, 29 क्यों है, इस शब्द में सब कुछ छिपा है, इस शब्द में सब कुछ छिपा है, इसका आंसर इसमें, इसका आंसर इसमें। ये जो होते हैं इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो एक में इसमें टोटल पाई जाती है 120, और मैकलाएँ कितनी होती है, 6, यानी 126 हड्डियाँ यहाँ हो गई, और ये कितनी हो गई, 80 हो गई। टोटल कितनी होगी दोनों को जोड़े तो 206 हड्डियाँ हो गई, ठीक है ना। लेक्चर लंबा हो गया, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताएं भी कैसा लगा लेक्चर और क्या करना चाहिए। आपके सहयोग की विशेष ज़रूरत है, मेहनत हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, और आपको भगवान जल्दी से जल्दी क्या है, गवर्नमेंट जॉब दे, क्योंकि बहुत तड़फ रहे हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।